आपको आज जो ग्लोबल ब्रांड्स लगते हैं वो भी कभी ऐसे ही बिल्कुल लोकल थे, लेकिन जब वहां के लोगों ने उनका इस्तेमाल शुरू किया, उनका प्रचार शुरू किया, उनकी ब्रांडिंग की, उन पर गर्व किया, तो वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए। Welcome to Fashion Expo. This is your host, Harshit Dingon, and you're watching the HD Talk. And today we are going to do a big discussion. Should we ban TikTok or not? क्या हमें TikTok को ban करना चाहिए या नहीं? क्योंकि TikTok के कारण काफी ज्यादा एंटी सोशल एलिमेंट्स काफी ज्यादा उससे छेड़खानी करते हुए बहुत गलत टाइप की वीडियोस बनाते हैं और मैसेज गलत जाता है, तो उस मैसेज पे कंट्रोल लाने के लिए गवर्नमेंट क्या सोच भी रही है कुछ या नहीं सोच रही है, या लोग इसी तरीके से TikTok के कारण गलत मैसेज स्प्रेड करते रहेंगे, तो आज इसी पे बात होने वाली है। शुड इंडिया बैन टिकटॉक और नॉट? एंड टू डिस्कस दिस वी हैव द स्पीकर्स विद अस टुडे, जय चौहान हु इज अ पीआर। हाय जय, वेलकम टू आवर शो। हाय। And second speaker we have Shilpa. Shilpa, she's a Miss Delhi and she's a social worker as well. Hi, Shilpa. Hi. Hi, Akshay, for joining us. Akshay is a entrepreneur coach and he's a business consultant. Hi, Akshay, for joining us today. Hi. Hi. So, guys, we are going to, first of all, we all know that TikTok is like creating a lot of problems nowadays, and Chinese app hai, toh usse problems bhi kaafi zyada aa rahi hai. तो हम आपका एक व्यू लेना चाहेंगे, उससे पहले मैं आपको स्क्रीन पे आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा ताकि हम आपका एक रिएक्शन ले सके और उसके बाद में हम इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। मार तो दिया तुमने उस बेकसूर तबरेज अंसारी को, लेकिन कल जब उसकी औलाद बदला ले तो ये मत कहना कि मुसलमान आतंकवादी है। उसने तुम्हें छोड़ दिया, मुझे छोड़ा था। गाइस, आपने सभी ने देखी ये वीडियो, आपको आवाज आ रही है मेरी इस टाइम पे? यस। ओके, सो आपने वीडियो देखी, तो आपको क्या लगता है कि जो इंडिया में ऐसा हो रहा है टिकटॉक के कारण, तो आपका क्या कहना है? सबसे बड़ी बात, पहली बात कि आखिर टिकटॉक बैन होना चाहिए, अगर होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए? सबसे पहले मैं शिल्पा का कमेंट लेना चाहूँ। शिल्पा, आप बताइए कि आपका क्या कहना है टिकटॉक के बारे में? हाय हर्षित। हर्षित, आई रियली फील कि टिकटॉक बैन होना बहुत जरूरी है। सी, इट्स लाइक एन एडिक्शन फॉर एवरीवन। एडिक्शन है, गवर्नमेंट जब तक स्टेप नहीं लेगी सबको इसका एडिक्शन रहेगा। बीच में होता भी है, बहुत सारे लोग सपोर्ट भी करते हैं कि ठीक है ये बैन हो चुका है, और साइमल्टेनियसली पीपल हैज टू जस्ट गो थ्रू इट कि हाँ अब ये हमारे कंट्री में नहीं है, और उनको कोई और ऐप के थ्रू जब वो सब्स्टिट्यूट लेंगे तो उनको धीरे धीरे इसकी आदत कम हो जाएगी। इट हैज बिकम एन एडिक्शन फॉर एवरीवन, राइट? 1/7 जो पॉपुलेशन है हमारे वर्ल्ड की इज यूजिंग टिकटॉक दीज डेज, और आप बिलीव नहीं करेंगे इससे कितनी इनकम जाती है चाइना के पास। चाइना से आपको पता है कि क्या रवैया है हमारे कंट्री की तरफ, और हम इनडायरेक्टली वी आर सपोर्टिंग चाइनीज गवर्नमेंट। एक तरफ हम बात करते हैं कि हमें चाइनीज प्रोडक्ट को नहीं यूज करना चाहिए, एक तरफ बोलते हैं हमारे फेस्टिवल्स पे भी वी आर नॉट सपोज टू बाय चाइनीज लाइट्स एंड चाइनीज आइटम, हम उन सब चीजों को बैन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम उन्हीं की एप्स को इतना प्रमोट कर रहे हैं कि उससे इधर से नहीं तो हम दूसरे साइड से मनी ट्रांसफर कर रहे हैं चाइना को। बेसिकली वी आर मेकिंग द गवर्नमेंट मोर स्ट्रांग, और इस सिनेरियो में जहां पर एवरीवन नोज दैट वी हैव ऑलरेडी मेड द गवर्नमेंट वेरी स्ट्रांग फाइनेंशियली, तो आज हम क्यों नहीं ये एक स्ट्रांग स्टेप लेके चाइनीज ऐप को
बैन कर देते हैं हमारे कंट्री से, कोई और ऐप इंट्रोड्यूस कर दे, हमारे यहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं है, हमारे इंटेलिजेंस की कोई कमी नहीं है, व्हाई कांट वी इंट्रोड्यूस सम अदर ऐप व्हिच इज सिमिलर टू टिकटॉक, या उसमें लोगों को क्या है आज के टाइम पे क्या एडिक्शन है, उनको अपने आप को अच्छे से फिल्टर्स लगा के अपने आप को प्रेजेंट करना है, वीडियोस बनानी है, वी कैन डू इट ऑन एनी अदर ऐप, व्हाई ऑन चाइनीज ऐप ओनली। एक बात और मुझे बोलनी है इस टाइम पे आपको कि कुछ वीडियोस मैंने देखी हैं जो प्रमोट की जा रही हैं इन फेवर ऑफ टिकटॉक ऐप, कि किसी ने बोला कि व्हाई वी आर अगेंस्ट द चाइनीज ऐप, व्हाई वी आर अगेंस्ट टिकटॉक, हम तो बहुत सारी चीजें हैं, कुछ फोन्स के नाम बताए कि दिस फोन इज चाइनीज हैंडसेट, ये वाली चीज चाइनीज है, हम ये सब भी तो यूज करते हैं, तो ये तो वो वाली बात हो गई ना कि वो जहर खा रहे हैं तो आप क्यों नहीं खा रहे हैं, तो ये कोई इस चीज का एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ कि ये वाला फोन चाइना का है हम यूज कर रहे हैं। नो, नॉट एवरीवन इज बाइंग द सेम हैंडसेट, वी ऑल आर यूजिंग डिफरेंट हैंडसेट्स, लेकिन ऐप हर किसी के फोन में है। इफ यू हैव द एक्सप्लेनेशन कि ओप्पो चाइनीज का है, वीवो चाइनीज का, अगर आप ये बोलते हैं, बट नॉट एवरीवन इज बाइंग द सेम हैंडसेट, सबके पास डिफरेंट हैंडसेट है, बट एप्लीकेशन सबके फोन में है इस टाइम पर। सेकेंड थिंग कि बहुत ही डेंजरस ऐप है ये, कोई प्राइवेसी पॉलिसीज को, प्राइवेट पॉलिसीज को फॉलो नहीं करती हैं, मुझे लगता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है, लेकिन आंख बंद करके हम इसको एडिक्शन की वजह से फॉलो कर रहे हैं, हमारी जो यंग जनरेशन है इसको फॉलो कर रही है। कहीं ना कहीं अगर गवर्नमेंट एक स्टेप ले लेती है, आई नो इट इज नॉट वेरी इजी टू यू नो फॉलो अप दीज थिंग्स, कहना आसान है, कहना इजी है कि चीनी बंद कर दो, डायबिटीज के लिए खराब होती है, बट किसके घर में नहीं है, ऐसा नहीं होता, एवरीवन इज ईटिंग, इवन आई एम वेरी यू नो शुगर एडिक्टेड पर्सन कि मुझे खाना पसंद है, ऐसे ही ये टिकटॉक ऐप भी है, बहुत जल्दी छुटकारा पाना इससे आसान तो नहीं है, लेकिन स्टेप्स तो लेने पड़ेंगे ना, गवर्नमेंट की तरफ से आएंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनेंगे तो डेफिनेटली पीपल विल फॉलो इट। बिल्कुल सही कहा, थैंक यू सो मच, आपने अच्छा कमेंट दिया। और अभी हमें ज्वाइन करा है रैपर मैडी ने, रैपर मैडी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं राइट नाउ, रैपर मैडी इज गोइंग टू जॉइन अस इन जस्ट 10 seconds, सो लेट्स सी इफ ही इज देयर राइट नाउ और नॉट, ही इज स्टिल कनेक्टिंग, ओके, ही इज स्टिल कनेक्टिंग, सो टिल द टाइम ही इज कनेक्टिंग, आई विल लाइक टू टेक द कमेंट ऑफ अक्षय। अक्षय, व्हाट यू फील अबाउट this app, like, hi Maddie, can you hear me first of all, before, can you hear us? I think he's connecting, till the time he's connecting, I take the comment of Akshay. Akshay, you can just let us know that what is your comment, should India ban TikTok, and if it's done, do you think it will be very easy to do it, because government is getting a lot of money from taxes from this? I feel that the TikTok app should be banned because it's creating a lot of social distress. You saw the video which played a few minutes back. That thing has actually popularized a few social stigmas which shouldn't be popularized, like acid attack, rape, and all those kind of stuff. Plus, TikTok is actually eating away a lot of productive time of the youth. The youth should be involved in the development of the country, finding a good career for themselves. They are, in fact, wasting their precious time on TikTok, and they are not able to concentrate on their career and for developmental purposes of the entire nation. So, hence, and plus. Shilpa rightly said that we have a lot of talent in our country. Most of our brilliant minds have actually engineered these. Dubai is made by Indians. Microsoft. Many of the Indians are the engineers over there. We are one of the brightest minds in the world. We surely can make a duplicate or make a better version of TikTok, wherein it will give a lot of benefit to our own country and our own governmental reserves. They earn a lot of money if we develop our own TikTok plus a better version. Also, one thing I want to point out in TikTok's privacy clause is that. If suppose we upload an obscene video on Facebook, so
Facebook immediately hides those videos. TikTok doesn't do that. I agree. So TikTok, I agree with you, Akshay. Yeah, so TikTok doesn't do that. So TikTok's privacy thing and the filtration of TikTok is virtually zero. So yes, very, very so important point. Point shared by you. As we have less time, we'll first like to welcome rapper Medi as well. Rapper, can you, Medi, can you hear us? I welcome to our show. You are muted. Can you hear us? Yes, I can hear you. Can you guys hear me? Yes, we can hear you, and we can hear you, and we will hear you as well singing after some time. But first of all, we would like to take comment about, we're discussing about, should we ban TikTok in India or not. And we will be taking one comment from one speaker, then we will come to you. Till the time, all the audience, stay tuned. Rapper Medi is going to end the session with a lot of goodness and great songs. So in the end, keep watching the video till the end. So guys, now we are going to speak to one of the speakers, Jay. Hi Jay, so what you think, what exactly India should do? That should we ban TikTok? Agar TikTok ban karte hai, toh लोग अपना टाइम पास कैसे करेंगे? सबसे बड़ी बात कैसे होगा, कैसे कर सकते हैं? हाय हर्षित, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है ना, हमारे काफी सारे सेलिब्रिटीज जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, दे आप अपना कैमरा थोड़ा टेढ़ा कर लीजिए, आपका फेस कट रहा है, थोड़ा हल्का सा कैमरा ऐसे कर दीजिए ताकि फुल आ जाए. हाँ, हल्का सा और. हाँ, बस नाउ फाइन नाउ यू आर विजिबल. हमारे काफी सारे सेलिब्रिटीज जो काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो खुद से टिकटॉक पे हैं, और मोस्ट ऑफ द यंग जनरेशन के जितने बच्चे हैं ना, वो उनको सुनने देखने के लिए पहले टिकटॉक पे आए, फिर अब वो उनसे इन्फ्लुएंस होकर वीडियोस बना रहे हैं. अभी लास्ट थोड़े टाइम से क्या हो रहा है ना, कि लोग वहां आ रहे हैं और खुद से कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं. कंटेंट क्रिएट कर रहे थे, वहां तक चीजें ठीक थी, नॉर्मल चल रहा था सब कुछ. अभी क्या वो कुछ भी ऊट पटांग कंटेंट बना रहे हैं. एक तो वहां पे क्या है, सिर्फ लिपसिंग वाली चीज है, और लिपसिंग कंटेंट में नहीं आता. आप अगर किसी बने बनाए ऑडियो पे लिपसिंग कर रहे हो, वो कंटेंट नहीं है मेरे भाई. उसको वो प्रिटेंड कर रहे हैं, दैट्स माय कंटेंट. आपने एक्ट किया उस पर, वो कंटेंट नहीं है. एक्ट करने को कंटेंट कभी नहीं बोलते. और ये सेलिब्रिटीज की वजह से लोग वहां जा रहे हैं. सेलिब्रिटीज को बहुत बहुत मोटा अमाउंट पे करते हैं ये जितने एप्लीकेशन वाले हैं, बहुत हैवी अमाउंट पे करते हैं. अभी बात करेंगे रैपर से भी, रैपर मेडी बैठे, पता चल जाएगा कितना पैसा मिलता है आखिर. ये सच्चाई भी निकल जाएगी. नहीं, मैं सुन रहा हूँ सबकी बातें सुन रहा हूँ. बिकॉज़ एवरीबॉडी इज कमेंट लेंगे. या प्लीज. हां, लेट्स सी, लेट्स. हां जय, बताइए. हां, सेलिब्रिटीज का क्या है कि वो पैसे के लिए कहीं भी जाते हैं, कुछ भी करते हैं, बट नॉर्मल पब्लिक उनको फॉलो करके वही काम कर रही होती है. तो पहले तो सेलिब्रिटीज को समझना पड़ेगा कि वो पैसों के चक्कर में किसी भी उल्टे पुल्टे एप्लीकेशन को इंडोर्स ना करें. और उनके जितने फॉलोअर्स हैं, वो विद इन मिनट उनके पोस्ट होते ही लोग वो एप्लीकेशन ज्वाइन कर लेते हैं. फिर एप्लीकेशन वाले क्या करते हैं, वहाँ कॉन्टेस्ट चलाते हैं. लाइक आपको पता है, काफी सारे टॉप के जितने सिंगर्स हैं अभी इंडिया के, सारे टिकटॉक पे, इंक्लूडिंग यो यो, गुरु रंधावा, नेहा कक्कर, ईच एंड एवरीवन इज ऑन टिकटॉक, और बहुत मोटा अमाउंट मिलता है. मैं खुद उस फील्ड से हूँ, मुझे पता है ब्रांड इंडोर्स करने का कितना हैवी चार्ज करते हैं. और वो एक वीडियो पोस्ट करते हैं जाके अपने इंस्टाग्राम पे, दैट वी आर ऑन टिकटॉक, कम एंड लेट्स टॉक देयर. वहाँ आंख बंद करके बच्चे टिकटॉक इंस्टॉल करके फिर कुछ भी क्रिंज बनाते हैं. ठीक है, आप इनके फॉलोअर्स देख लो, मिलियंस में है. अरे यार, जितने इनके फॉलोअर्स इंडिविजुअल दिखा रखे हैं ना, उतने तो टिकटॉक के यूजर नहीं होंगे. वो हमारे माइंडसेट के साथ खेल रहे हैं. बिल्कुल वाहियात वाहियात वीडियो बनाने वाले के फॉलोअर्स 15-15 मिलियन है. 15 मिलियन कितने होते हैं पता है भाई? सो मैं अब आपको पूरी चीज बताता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी आपने बोला बिल्कुल सही है. मैं आपसे हर प्रतिशत, एवरी परसेंट आई एग्री विद यू. ठीक है, एक सेकंड बात पे आते हैं. देखो यार, ये आज से नहीं हो रहा, जब से नाट्य शास्त्र चला है ना भरत मुनि के हिसाब से. ठीक है, धरती के बनने के बाद, और जब लोगों ने नाट्य शास्त्र सीखा होगा, तब से चलता आ रहा है. लोग ये बोलते थे राम कौन बनेगा,
नाट्य में, ठीक है, तो सबसे तेज जिसके चेहरे पे होता था उसको राम बनाया जाता था। हमें नहीं, हमने देखा नहीं है राम कैसे हैं, ठीक है, हमने जीसस को भी नहीं देखा, हमने किसी को नहीं देखा, बट सबसे स्मार्ट लड़का जो होगा वो राम बनेगा, करेक्ट, समझते हैं इस बात को। अब आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा फॉरवर्ड में आते हैं, जमाना बदला, लोग बदले, प्लेटफॉर्म बदला, ठीक है, पहले टीवी पे भी यही हो रहा था, अब सबकी मम्मियां, हमारी मम्मी कहती थी जय स्टार बनना चाहिए, जय तो टीवी पर आएगा, जय तो ऑलराउंडर है, हर्षित को मॉडल बनना है, हर्षित को तो क्या, सब सारी मम्मियों की ना मुरादें पूरी हो गई हैं, भगवान ने सुन ली है ना, तो सब अब स्टार बन गए। तो टिकटॉक पे मेरे भाई, अब आपकी टिकटॉक जैसे एप्लीकेशन पे मेरे भाई, दिस इज अ गेम, यू अंडरस्टैंड, व्हेन आई से गेम, यू कैन एक्टिवली इंटरैक्ट विद द सॉफ्टवेयर, यू कैन एक्टिवली इंटरैक्ट विद द इंटरफेस बाय गिविंग योर इनपुट ऑल्सो, ठीक है, there's a difference. I'm not supporting anything, but I will tell you something. अब ये वाली बात समझ आ गई, तो लोग जाएंगे वहां पे गेम खेलेंगे, आप भी खेलते हो कैंडी क्रश, तो आपने भी खेला होगा, नहीं किसी किसी को नहीं खेला, चलो कोई नहीं, कोई गेम तो खेला होगा, कंचा खेला है, कंचा भी तो खेला होगा, पर कंचा, wait, let me just complete my point, you'll get in your answer. अच्छा अब क्या है कि भाई कहीं ना कहीं ऐसा होगा, मैंने तो बहुत सारे डुप्लीकेट्स भी देखे हैं, शाहरुख खान तो एक ही है, पर 70,000 बॉम्बे में डुप्लीकेट्स हैं शाहरुख खान के, है ना, कुछ तो कर ही रहे हैं वो, तब उनके पास ऐप नहीं थी, अब बस उन लोगों के लिए ऐप आ गई है, ठीक है, अब आपकी इससे हेट्रेड हो या आप इसे पसंद ना करते हो, ये आपकी मंशा है, आपकी इच्छा है, बहुत सारे यूट्यूब के क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहेंगे रैपर के, आखिरकार जो हेट्रेड वाले जो वीडियोस बनती है, तो आखिर इसके लिए कोई रूल्स रेगुलेशन, यार एजेंडा और प्रोपेगेंडा किसी भी चीज पे गलत है, आप मेरी बात समझने की कोशिश करें, कोई भी मास मीडियम जो है उस पे एजेंडा और प्रोपेगेंडा होना ही नहीं चाहिए, पीरियड, चाहे वो टिकटॉक हो, चाहे लाइक ही हो, चाहे कोई हो, आपने बात करी पैसे, चाहे कोई भी हो, अच्छा आपको डोनाल्ड ट्रंप और जॉर्ज फ्लॉइड का तो पता ही होगा, उन्होंने कमेंट किया था ट्विटर पे जिसके अगेंस्ट ट्विटर ने फ्लैग रेज किया था। मैं चाहता हूँ कि ऐसी भाई पुराने समय में लोग ऐसे लोगों को रोकते थे गलत करने से, उसी के लिए पुलिस आई है ना, तो डिजिटल पुलिस भी आनी चाहिए, डिजिटल पुलिस आ चुकी है, अब उसका फॉर्मेशन होना है, समय के साथ चीजें चेंज होंगी, प्लेटफॉर्म बदलेंगे, और आप जैसे लोग जब अपनी बातों को आगे रखेंगे। शिल्पा कुछ बोलना चाहते हैं, शिल्पा कुछ क्या काउंटर करना चाहते हैं, बताइए। जस्ट अ सिंगल स्टेटमेंट, जस्ट अ सिंगल, आई डू एग्री विद व्हाटएवर यू आर सेइंग मैडी, जस्ट अ सिंगल स्टेटमेंट, व्हाई कांट वी रिप्लेस दिस ऐप विद सम इंडियन एग्जैक्टली इसका आंसर देता हूँ, बिकॉज आपका जो सेल फोन है, आप कौन सा सेल फोन यूज कर रहे हैं मुझे पूछना नहीं चाहिए, बट मेरे ख्याल से जो भी आप यूज कर रहे हैं उसके अंदर 99 आईफोन यूज करो ना, यूएस मेड है, लेकिन उसकी प्रोडक्शन आपको पता है किन पार्ट से होती है, इंटेल, ये सारे प्रोडक्ट्स पता है आपको कहाँ बनते हैं, चाइना में बनते हैं, सॉरी यार, इफ आई एम मच मोर अवेयर अबाउट इट, वेट अब आंसर तो देने का मौका दीजिए। अरे दो यार, मैं तो सुनी रही हूँ। सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारे चाइना में बनते हैं, अब आपको मैं बता दूं, जब तक आपके पास रिप्लेसमेंट नहीं है तब तक आपको करना ही पड़ेगा। इसरो ने जब अपना पहला वो लॉन्च किया था सैटेलाइट, तो भी बाहर के देशों से मदद ली थी, क्या उन्हें पता नहीं था कि हम सैटेलाइट लॉन्च करने वाले हैं, न्यूक्लियर वेपन ऐसे ही बन गया इंडिया में सब कुछ, हम भाई ये चीजें होती हैं, हम दूसरे देश से सीखते हैं, हम अपने विकसित देश से सीखते हैं, अपने से आगे वाले देश से सीखते हैं, उसे बनाने की कोशिश करते हैं, रेप्लिका तैयार करते हैं, आपके दिमाग में बात आ गई, यकीनन कोई ना कोई ऐप बन जाएगी ऐसी, और जैसे ही वो बनेगी मैं सबसे पहला बंदा हूंगा उस पे आने के लिए, और बाय द वे मित्रों पे मेरा अकाउंट ऑलरेडी है, ठीक है ना, और पहले दिन ही कॉल आ गया था, पहले दिन हर्षित ये वाली लाइन को टैगलाइन बना के कवर पेज पे जरूर डालना कि मित्रों में हमें जो है मैसेज टू मोदी जी, हमारी तरफ से ये मैसेज हम सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैडी जी ने हमें बताया कि प्लीज, आपको ना देख नहीं पा रहा हूँ, कोई बात नहीं, आवाज सुन पा रहे हैं, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? हाँ जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ मैं आपकी बात, आवाज बहुत इम्पोर्टेंट है इस टाइम पे, तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि वी विल रिक्वेस्ट आवर प्रधानमंत्री जी कि प्लीज एक ऐसी ऐप लेकर आए हैं जिस सब चीजों का तोड़ होगा। बात जो ईयरफोन यूज कर रहे हो ना, मेरी बात सुनो, बड़ा प्यारा सा एक चीज बता रहा हूँ, जो आप ईयरफोन यूज कर रहे हो ना, मैंने आपको देख लिया, तो मैं सिर्फ इतनी सी बात बोलना चाहता हूँ, इसके जो कॉम्पोनेंट्स होते हैं ना मैडम, ये बहुत सारी कंट्रीज में बनते हैं, लेकिन जिसमें सबसे ज्यादा मास प्रोडक्शन होती है ना वहां से आते हैं, जब तक हमारे पास इसका रिप्लेसमेंट नहीं है, ठीक है ना, अब तक तो हमें ये यूज करना पड़ेगा, तो इसका आंसर घुमा फिरा के यही है कि जब तक जय और मेरे भाई जो है अक्षय गोयल यहाँ पर, जब तक इसका रिप्लेसमेंट नहीं आएगा तब तक तो यही उपचार है, जैसे ही आ जाएगा मैं खुद गारंटी देता हूँ आपको, पहली वीडियो मेरी होगी उस पर कि आप इधर आ जाओ तो लोग आएंगे, और मेरे जय के जय का एक पॉइंट था बस एक लास्ट की, बहुत पैसे मिलते हैं ब्रो, ये मैं ब्लंटली यहाँ बोल रहा हूँ ब्रो, इस वीडियो को जरूर डालना, नहीं मिले कोई पैसे किसी को, नहीं मिले, मैं बताऊँ क्यों, मैं बताता हूँ, क्योंकि जिस दिन मैं साइन हुआ था ना मेरे भाई, उस दिन मेरी जो आप जाके देखना ट्विटर पे मेरी स्ट्रीम, फाउंडेशन और स्वदेश फाउंडेशन के थ्रू गया था वो, ठीक है,
अगर आप जाके देखोगे एक भी रुपया नहीं मिला है किसी भी पर्सनल को जो इस पे साइन हुए हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ, और सुनो पैसा कमाते कैसे हैं वो, उनके पास इतने बड़े बड़े वो आते हैं कैंपेन्स आते हैं तब पैसा मिलता है, किसी सेलिब्रिटी को पैसा नहीं मिल रहा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। और अगर मेरे को, मैं आपको चैलेंज करके बोलता हूँ, निखिल है इसके ओनर, निखिल गांधी, ठीक है, निखिल गांधी है, मैं ट्वीट कर दूंगा आपका नाम टैग करके बकायदा कि सर किसको कितना पैसा मिला बता दो। नाउ कैन आई स्पीक समथिंग हर्षित? मे आई विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू मैडी, मैडी आपने मेरे हेडफोन्स देखे राइट, ठीक है, थोड़ा सा सुन लीजिए प्लीज, आपने मेरे हेडफोन्स देखे, तो ये तो बच्चों वाली जिद हो गई है कि तुमने चाइनीज ऐप यूज की तो मैं भी टिकटॉक यूज करूंगा, ये तो हमारी जिद हो गई। जब तक हमारे पास रिप्लेसमेंट नहीं है, आप मेरी बात को शायद समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हैं तो मैं आपकी बात गई हूं, मैं तो आपकी मेरी बात, यदि मेरी बात आपको आपत्तिजनक लग रही है तो इसका मेरे को लग रहा है कि इसका मतलब नहीं, आपत्तिजनक नहीं है ये बात, आपत्तिजनक नहीं है ये बात, और ना ही उद्देश्य कुछ और है। बस इंडियन चीज आ जाए ना, जैसे ही आपके पास इंडियन चीज आ जाए आप बिल्कुल यूज कीजिए, मैं तो कह रहा हूँ खुद मेरे देश में नाइकी, हां बस बाकी का, लेकिन जब तक नहीं है मैडम, जब तक नहीं है, जब तक नहीं है तब तक कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मोदी जी से बढ़िया कोई अगर प्राइम मिनिस्टर आता है मेरा उसको जाएगा, सीधी बात, पर पहले बढ़िया बन के दिखाए, ठीक है ना, दैट्स अबाउट इट, बाकी और कोई Harshit, प्लीज दिस मैसेज अराउंड दैट वी रियली नीड अ रिप्लेसमेंट फॉर टिकटॉक, मोदी जी तक ये बात पहुंचा दीजिए हमारी। अरे आपको बोलने की जरूरत नहीं है मैडम, मैं मैं आपको खुद कह रहा हूँ ये बात, मैं यूट्यूब पे भी हूँ, ठीक है, मेरी 15 मिनट की डिटेल वीडियो है इसके ऊपर बकायदा, ठीक है, जय भाई एक लाइन बोल रहा हूँ बस, फिर आप बोल रहे, ठीक है, ओके, लास्ट चीज ये बोल रहा हूँ, जब तक मैडम रिप्लेसमेंट नहीं है, आप दूध की रिप्लेसमेंट नहीं है ना, तो दूध तो पीना ही पड़ेगा, अब क्या जर्मन गाय हो या हिंदुस्तानी गाय हो या पाकिस्तानी गाय, गाय तो गाय है भाई, ठीक है ना। अब रही बात कि आपके ऐप क्या है, तो यार अभी तो यही है, इतना इंपॉर्टेंट टिकटॉक है, चलिए आई एम आल्सो गेटिंग सम नॉलेज टुडे, इतना इंपॉर्टेंट टिकटॉक है, ओके मैडम, सैटेलाइट नहीं है, आप अपनी बात, मैडी जी दूध जितना इंपॉर्टेंट है टिकटॉक, मतलब अगर मैं अपनी बेटी को एक ग्लास दूध रोज देती हूँ तो एक टिकटॉक रोज उसकी बननी चाहिए उसकी हेल्थ के। नहीं नहीं मैडम ऐसा नहीं, ये तो आपकी इच्छा है, आपके आपका बच्चा, आपके अनुसार कंपैरिजन दूध से नहीं है, आपने अच्छा किया, मतलब मुझे नहीं लगता टिकटॉक हमें ऐसा है, बात ऐसी है कि देखो धरती पे जो भी चीज है ना वो केवल हमने बांटी है, हमारे लोगों ने बांटी है, हम इंसानों ने बांटी है, जानवरों ने कुछ नहीं बांटा, इसलिए शायद हम घर पे बैठे। और दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट मैडम कि जब रिप्लेसमेंट नहीं आएगी, ठीक है ना, तब तक तो लोग ये यूज करेंगे, जिस दिन रिप्लेसमेंट आ गई अपने आप आ जाएंगे, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे लगता है कि हमें इसका पार्ट टू भी हम क्रिएट करेंगे, क्योंकि हम इस कॉन्फिगरेशन में जय को जय क्लियर, बहुत मोटे पैसे मिलते हैं आपको, अगर कैंपेन के पैसे नहीं मिले है ना, अरे वर्ड नंबर देता हूँ, सुनो सुनो, जिस बंदे ने, अरे भाई जिस बंदे ने साइन करा है उसी बंदे ने मुझे साइन किया है, लेमिक अगर नहीं मिले है ना, नहीं मिले है ना, टेक माय वर्ड्स, आज के आज टिकटॉक अनइंस्टॉल कर दो। अच्छा मेरे हिसाब से बहुत मोटे पैसे मिलते हैं, मैडी के हिसाब से पैसे नहीं मिलते हैं, पैसे नहीं मिलने तो डिलीट करना भाई, क्या दिक्कत है, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ इसी का आंसर मेरे पास है, बड़ा प्यारा आंसर आपका, मैंने आप जय भाई, आप मेरे को पता नहीं आप प्रोफेशन में क्या करते हैं, लेकिन आपसे पब्लिक रिलेशन में बहुत बढ़िया, मैं आप और मैं एक ही प्रोफेशन के, बहुत जबरदस्त वाले, ठीक है ना, बहुत बड़ी फैशन, मैं एक फैशन कंपनी का पीआर एचओडी था, खैर वो सब बातें बाद में करेंगे, लेकिन कभी बढ़िया बात करते हैं, मैं एक आदमी हूँ और गाना गाता हूँ थोड़ा बहुत, ठीक है ना सर, मैं खाली जगह पे जाके तो परफॉर्म नहीं करूंगा, आपका गाना भी million... बहुत पसंद भी है मैडी जी, हम सब आपके बहुत अच्छे फैन हैं, सब आपकी बहुत तारीफ भी करते हैं, थैंक यू जी, मैं बस केवल जी 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 मैं बस ये कहना चाहता था कि अगर आपको मैं ऑप्शन दूं कि एक जगह है जहां पर मैदान खाली पड़ा है वहां परफॉर्म करिए, और एक जगह पे जहां पर लोग हैं वहां परफॉर्म करिए, आप कहां परफॉर्म करिए? ब्रो अगर फ्री में कोई आर्टिस्ट परफॉर्म करता है, यस और नो, यस और नो, जय यार यस और नो, ये टीम डिबेट में है, हमें कोई प्रूफ नहीं है, आपने लॉजिक की बात की है ना, आप फ्री में परफॉर्म करते हो इवेंट में,
आप इवेंट में फ्री परफॉर्म करते हो। अब मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो, मेरी बात तो सुनो, टिकटॉक पैसे नहीं दे रहा तो फ्री में क्यों परफॉर्म कर रहे हो? अरे सुनो तो सही मेरी बात, मेरे भाई सुनोगे तभी तो समझ आएगा। ऐसा करते हैं, आंसर आप आंसर देना ये चीज से, जब 40 मिनट्स हो गए रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, मैं आपको एक नया पर्सनल वो भेजूंगा। अच्छा अगर दिख रहा है तो हो रहा है ना, ठीक है ठीक है, रख दीजिए, रख दीजिए। मेरा कंटेंट बन रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा कंटेंट बन रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा, बाकी नहीं पता, जाए खंजर लेके मैडी को मार दे। क्या पता है आज खंजर लास्ट 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 पॉइंट, लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट ये था केवल कि भाई मेरे को वहां परफॉर्म, मैं टिकटॉक पे पता क्यों आया था, मैं टिकटॉक पे इसलिए आया, मुझे नहीं पता था चाइनीज है कि इंडियन है कि क्या, मैं टिकटॉक पे इसलिए आया, मैंने कहा इतने लोग वहां पर हैं, मैं भी तो देखूं जाके क्या है, व्हाट इज द हाइप ऑल अबाउट। मैं वहां गया, रिस्पॉन्स अच्छा आने लगा, ठीक है। फिर उन्होंने मुझे कॉन्टेक्ट करा, सर आप आई गए हो तो आप हमारे लिए कर ही लो ये काम। मैंने कहा ठीक है भाई, पैसे कितने मिलेंगे? तो उन्होंने बोला कि भाई हम अभी तो कुछ नहीं कर रहे हैं, बट आपको हम कैंपेन्स देते रहेंगे, फलाना फलाना फलाना, और यही अप्लाइज टू एवरीवन, वंस दे गो बिग दे डू दिस। अच्छा, इसके अलावा मैं रोपोसो ऐप पे भी हूं, जो इंडियन मेड है, बकायदा वो पैसे देती है भाई, लिटरली पैसे, जितने आपके कॉइन्स कमाते हो आप उससे पैसे आपके अकाउंट में आ जाते हैं, पेटीएम में। बहुत सारे लोगों को नहीं पता, लेकिन सर आप पैसे और पेटीएम की बात छोड़ो, मैंने सिर्फ केवल ये बात बोली थी, लास्ट बात खत्म, बिल्कुल कंक्लूजन है सर, ये एंटरटेनमेंट के माध्यम है, आपकी इच्छा है कि आप जूम ऐप पे आना चाहते हो या नहीं आना चाहते, आपकी इच्छा है या टीवी पे जी चैनल देखना चाहते हो या स्टार प्लस पे, अभी इसका कोई उपचार नहीं है, ऑप्शन नहीं है, जैसे आ जाएगा मेरी गारंटी है सारे लोगों को, मैं खुद लेकर आऊंगा। और आज ये अनाउंस हो गया, रैपर मैडी अब अनाउंस करते हैं कि जिस दिन एक नया ऑप्शन आ जाएगा, रैपर मैडी सबसे पहले टिकटॉक अनइंस्टॉल करेंगे और बस ये अनइंस्टॉल वाली बात, यार ये अनइंस्टॉल वाली बात ना, आप लोगों को लगता है कि आपकी आईपी चोरी हो रही है, आपकी लोकेशन चोरी हो रही है, आपकी फलाना फलाना चीजें चोरी हो रही है, ये सब आपको लगता है? मैं आपको बताता हूँ सारी थोड़ी सी, अगर आपकी टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा ज्यादा मतलब ज्यादा होती जानकारी तो मुझे लगता था कि आप समझ पाते मेरी बात को। हर फोन आपकी लोकेशन ट्रेस करता है, फोन, फॉरगेट अबाउट एप्स, हर फोन, जैसे कहते हैं ना चोरों के लिए ताले नहीं होते, अगर कोई हैकर आपके पीछे पड़ गया ना सर, अनएथिकल हैकर, तो आपको ऐप इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, आपकी लोकेशन वैसे ही पता लग जाएगी। और करंटली वर्ल्ड में जितने इंटरफेस यूजर है ना इस समय सर, इसके लिए आपको टिकटॉक की जरूरत नहीं है, वो तो आपकी लोकेशन गई, वो तो गई जिस दिन आपने इंस्टॉल करके सर केवल देखा था ना उस दिन गई। सो ऐसा करते हैं गया, अब कुछ कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसा करते हैं, डिस्कशन काफी गर्म हो रहा है, रैपर मैडी पे बड़े खंजर चल रहे हैं जय और शिल्पा के काफी ज्यादा, अब थोड़ा बहुत हल्का लाइट करा जाए। अक्षय जी आप भी जरा सुनिएगा, आपने सुना नहीं होगा इनका गाना, कुछ एक ऐसा गाना सुनाइए रैपर मैडी, ताकि थोड़ा यूथफुल हो, जो के यूथफुल हो और छनी सकदा तेनू ताही उंगला चोन चोनी रही मैनू अगले जन्म बिच अल्लाह हो अगले जन्म बिच अल्लाह ऐसा खेल रचा के भेजे बना के भेजे मैं तू बना के भेजे वे फिर तेनू पता लगना कि मैं पीना जाना पानी खारा खारा वे तू मैनू छड़ जाना। ये टिकटॉक को गाना पड़ेगा जब मैं छोड़ दूंगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लेकिन एक गाना आपसे सुनना चाहेंगे हम, जो देश के लिए हो, पूरी इंडिया को कनेक्ट करे, एक कोई ऐसा गाना देश के लिए आप ही बता दें कौन सा गाना है। जय हो भी एक गाना है हमारा, मेरे को सबसे जो पसंद है वो एक ही लाइन में गायता हूँ मैं, वो है ईश्वर अल्लाह तेरे जहां में नफरत क्यों है जंग है क्यों वैष्णव जन को दीन ही रही है जे पीड़ पराई जान रे पर दुखे उपकार करे जो ही पर दुखे उपकार करे जो
मन अभिमान ना आने दे, ईश्वर अल्लाह तेरे जहां नफरत क्यों है जंग है क्यों। बहुत बहुत बढ़िया शिल्पा, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया इन्होंने देश के नाम पे इन्होंने गाना गाया है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अरे मजबूरी ये है मैडम, मजबूरी ये कि लोग वहाँ पर है, टैलेंट यहाँ पर है। यहाँ चार लोग देख रहे हैं, यहाँ चार लोग देख रहे हैं, 17,000 लोग देख लेते हैं, फर्क ही है। हाँ वही फर्क है ना यार, ये बात ही यही है यार। आपको मैं आपके जय भाई घर पे बहुत अच्छा गाना गाता था, बाथरूम में इतना बढ़िया सिंगर है जय भाई कि मैं बता नहीं सकता आपको, पर्सनली जानता हूँ मैं इस बात को। लेकिन एक बात समझो इस बात को कि यार अब भाई ये मुझे पता है, लेकिन मुझे 17,000 लोगों को बताना है, कैसे बताऊं? तो मुझे कोई माध्यम चाहिए होगा ना उसका, सिर्फ माध्यम का फर्क है यार। कल को बढ़िया जी बाथरूम सिंगर आज की तारीख में हर कोई है, कोई ना कोई तो निकलती है। इस वीडियो का टाइटल होगा रैपर मैडी वर्सेस टिकटॉक टिकटॉक यू कैन से टिकटॉक वॉरियर्स। हर्षित क्या होता है ना, व्हाट ही इज सेइंग कि ही हैज अ टैलेंट टू शो एंड दैट इज बीन स्प्रेडिंग अराउंड एवरीवन लाइक, ठीक है। अब उसका तो टैलेंट है, उसका सॉन्ग सुन के हमें बड़ा मजा आया, अच्छा लगा देख के, लेकिन टिकटॉक पे क्या चीजें फैल रही हैं? कोई रो भी रहा है तो 1 मिलियन व्यूज है, कोई पूछता है, रो रहा है तो 1 मिलियन, कुछ भी नहीं है। सवाल हर कोई पूछता है, सवाल मत पूछो, जवाब से मुझे जवाब दो, समझ रहे हो आप मेरी बात? आपके पास ऐप हो जवाब दो मुझे, मैं दूसरी ऐप पे आ जाता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं। सवाल हर कोई पूछता है, जवाब से जवाब दो, मसले उठाओ मत, मसले का सोल्यूशन भी लाओ। पूरा टीवी चैनल पे हर डिबेट पे सिर्फ एक ही बात चल रही है, भाई मैं ये बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ, भाई सुनना ही नहीं आप क्या बोल रहे हो, टॉपिक हमें पता है, आंसर है तो बता दो, नहीं है तो निकलो। लेकिन कंटेंट क्रिएट करना है हमारे भाइयों को, क्या कर सकते हैं। कंटेंट क्रिएट हम YouTube से क्यों नहीं मतलब कर रहे, 13,000 सब्सक्राइबर एक हफ्ते में हो गए मेरे, मैं यूट्यूब से भी कर रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है। शिल्पा आप ऐसा करिए, ऐसा करते हैं लड़ाई ना करके इनसे कुछ गाना गवा लेते हैं फ्री में। लड़ाई नहीं, तुम हर्षित लड़वाने पे लगे सबसे, क्या हम लड़ रहे हैं, क्या ये लड़ाई है? हर्षित शकुनी मामा बीच में लड़वाने में लगा हुआ है, लड़ाई लड़ाई लड़ाई, मेरा नाम ले लेके तुमने लड़ाई। हर डिस्कशन लड़ाई नहीं होती है, कुछ डिस्कशन प्यार है, ये प्यार है, कैसे मुझे भी। मैं मानता हूँ गोयल साहब और जय भाई और मैडम, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि यार ये पता क्या, एक्चुअली में ना इतना ज्यादा ये सब हो चुका है कि हर एक को लगता है कि लड़ ही रहा है, जरा भी आवाज का टोन बढ़ जाता है तो बंदा सोचता है लड़ रहा है। और हर आजकल एक्चुअली में आप ये देखो कि फ्रस्ट्रेशन कितनी है कि बंदा हर किसी से लड़ने को तैयार है। मैं किससे हेलो ना बोलूं, मैं किसी को जानता नहीं हूं तो है, मैं दोस्त ना बनाऊं तो मैं किसी को जानता नहीं हूं तो आप दुश्मन कैसे बना सकते हो? मैडी जी, मैं बिजनेस कंसल्टेंट के साथ साथ लाइफ कोच भी हूँ, तो मेरे को पता है कि भाई कि माइंडसेट का क्या खेल रहता है। जी जी जी। मैंने अटेम्प्टेड सुसाइड केसेस हैंडल करे हुए हैं मैंने। जी सर। अब उनका माइंडसेट किस लेवल पे गिर गया है वो मुझे पता है। सर इसी चीज के लिए ना एक बड़ा प्यारा सा एक चीज था, आई डोंट नो हाउ यू, आपने जैसे बताया कि आपने लोगों की हेल्प करी है, मैंने इसे मॉडरेशन कराया ऐसा किसी का, ठीक है। और मेरी उनसे ना बात, एक मैं उस एनजीओ का नाम नहीं ले सकता अभी, बट मैं वैसे बता रहा हूँ कभी कुछ ऐसा होता है तो मैं उनके लिए बात करता हूँ उन लोगों से, सो दैट उनको थोड़ा मोटिवेटेड फील हो, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। तो उनकी मैं प्रॉब्लम सुनता हूँ, फिर वो कहते हैं कि भाई मेरे पापा ऐसे मेरे गए फलाना फलाना, तो मैं भी उनको बताता हूँ। बट क्या है कि इस दुनिया में एवरीथिंग एंड एनीथिंग व्हिच यू अचीव एंड which you do in life is through communication. अगर communication ना हो तो action कभी नहीं होगा। Correct. तो सर communication के लिए different mediums choose करते हैं लोग, कोई one on one करता है, कोई zoom app करता है, TikTok करता है, कोई TikTok करता है। जय मेरी बातों को बहुत सही समझ रहे हैं। I do agree with Maddie. Maddie is saying कि he is getting a lot of audience there. A point यहाँ पर यही आता है कि like Maddie he is gaining something from there because he has a talent. But many of them they have no talent. They are just recklessly following everyone. Madam, spreading all the nonsense. अच्छा एक बात बताइए यार, मैडम का नाम क्या है मेरी स्क्रीन पे ना वो दिख रही है, तो मैम नाम शिल्पा। मैम मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ आपको, आपको पता है बॉम्बे में ना कम से कम 70,000 शाहरुख खान है, 20,000 अक्षय कुमार है, अपार्ट फ्रॉम द रियल वंस, आप समझ रहे हो, वो भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। उनको हम क्रिंजी बोलेंगे जय भाई की लैंग्वेज में, क्रिंजी बोलेंगे राइट, व्हाटएवर दे आर डूइंग, व्हाटएवर कंटेंट, बट देयर आर सम ऑफ देम व्हिच आर वेरी गुड एंड
आर एक्चुअली द डुप्लीकेट्स ऑफ देम, यू अंडरस्टैंड? तो मेरा पॉइंट क्या है यार, देखो शतरंज का खेल है, हर कोई जीतना चाहता है, ये मेरा वो डायलॉग है जो स्प्लिटसविला में सबसे ज्यादा फेमस हुआ था। शतरंज का खेल है और हर कोई जीतना चाहता है, जय भाई अपने तरीके से, गोयल साहब अपने तरीके से, शिल्पा मैम अपने तरीके से, और हर्षित तो अपना कंटेंट बना ही रहा था जीत आपके सारी डिबेट का एक ही आंसर है। हम पूरी दिन पूरी रात इस बात के ऊपर लड़ सकते हैं, लेकिन सॉल्यूशन इसका ही है कि जैसे ही इसका जवाब आ जाएगा, जवाब बता देना, हम वो करने को तैयार हैं। चलो ठीक है, तब तक जवाब तो आता रहेगा, तब तक गाना हो जाए, गाना हो जाए। शिल्पा कोई आपकी, शिल्पा आपकी कोई रिक्वेस्ट तो नहीं है कोई? आपने इतना आखिर इतनी मेहनत करी है रैपर के साथ, बात करते हैं मैडी के साथ, आप एक अपनी फरमाइश रख सकते हैं? मेरा बर्थडे है एक दो दिन में, मेरे बर्थडे पर ही कोई सॉन्ग सुना दीजिए। चलिए, बर्थडे पे रोमांटिक सॉन्ग होना चाहिए, रोमांटिक हैप्पी बर्थडे का सॉन्ग सुनाना, हैप्पी बर्थडे में सुना देना, क्योंकि हैप्पी बर्थडे इज टू क्लीशे, हैप्पी बर्थडे इज टू क्लीशे, वो नहीं सुना सकता। तो मेरा सॉन्ग है वो जी म्यूजिक पे, वो सॉन्ग आया हुआ है और गाने का कुछ बड़ा प्यारा सा लाइन है, शायद आपको पसंद है। तो क्या कहते हैं, गड्डी टू सीटर मेरे कोल तू मेरे बैजानी, चित करा तैनू मैं ता लॉन्ग ड्राइव पे ले जानी, फिकर ना तू कर, तू हट मेरा फड़, कि तेरे लिए सीन ऑन है, कि तेरा मेरा सीन ऑन है बेबी, कि तेरा मेरा सीन ऑन है, कि तेरा मेरा सीन ऑन है बेबी, कि तेरा मेरा सीन ऑन है। आंखें गुलाबी तेरे हो, शराबी तेरे, चल दिए टुक टुक चाल ना भाभी तेरी, कके तू मैनू अपने हुस्न दा दीवाना, कितने चल दिए आजा बैठा तू मेरे नेड़े, बह के नेड़े एक गल दस मैनू, किन्नी हॉट है तू, कुछ आईडिया है तेनू हाए, लाशे गिराए जदों कली चले रोटे, आशिक भी तेरे खड़े हर एक मोटे। So why don't you tell this world ke tera mera scene on hai baby, ke tera mera scene on hai, ke party ka scene on hai baby, ke party ka scene on hai, hai re tera nakhra tera ni, hai re tere gabru nu mare, o munde pagal ho gaye ne hai, tere gin gin lakh de bulare। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, आप लोग तालियां बजाएंगे, वेरी गुड। तो आपके लिए डेडिकेट हो गया सॉन्ग, तो शिल्पा आपका दिन बना दिया, मैं रैपर मैडी ने आखिर। बिल्कुल यार भाई, मेरे को शक्ल नहीं दिख रही इसकी, कैसे दिख रही है मुझे बताओ भाई, डिस्कशन, ग्रेट डिस्कशन, थैंक यू एवरीवन, जय अक्षय, Shilpa and Maddie for joining us today. It was a wonderful discussion with all of you guys and the audience, whomsoever is watching us. It's now the decision in your hand, what exactly you want, because this decision is all in your hand, because janta hi hai jo sab decide karegi, aap hi ke haath mein hai that what exactly you want to do, because this is your decision, this is your India and this is your nation. आप सोचिए कि क्या करना है, गवर्नमेंट को सोचना है, वो आखिर जनता की सुनती है या नहीं है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, डू लाइक दिस वीडियो, कमेंट करिए आके, टिकटॉक आपके लिए अच्छा है या नहीं है, शुड बी बैन टिकटॉक और नॉट, और रैपर मैडी के लिए कमेंट जरूर करिएगा कि कैसा लगा उनका गाना। थैंक यू सो मच, और आपको मिलेंगे नेक्स्ट अपने सेशन में, टिल द टाइम टेक केयर एंड सी यू, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट मोर नोटिफिकेशन, हिट द रेड बेल आइकन एज वेल, थैंक यू एंड सी यू।